चुनाव की सरगर्मियां तेज है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। ये सूबे के चुनाव में तरह तरह के मुद्दे लोग अपने बना करके लोगों को मतदान करते हैं। हम आज इस प्रतापगढ़ जनपद के सदर विधानसभा के इस ग्राम सभा में बैठे हैं और लोगों से जानते हैं। चाय की दुकान पर बैठे हुए लोग चर्चाओं में अक्सर मिलते हैं कि वो चाय की दुकान पर चर्चा करते हैं राजनीति की। आज हम राजनीति करते हुए राजनीति की चर्चाओं में चलते हैं और जानते हैं कि ये सूबे की सरकार बनाने में लोगों की क्या राय होगी, किस तरह के मुद्दों पर लोग अपना मतदान करेंगे। तो हमारे साथ इस ग्राम सभा की चाय की दुकान पर लोग बैठे हुए, हम इनसे चाय की चुस्कियों के साथ बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर आप विधानसभा चुनाव में किसे मतदान करेंगे और किस मुद्दों पर। कहाँ के रहने वाले भाई साहब? तो आपके क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? मुद्दे क्या होंगे, किस तरह के लोगों को आप आखिर मतदान करना चाहेंगे? मजदूर आदमी तो परेशान ही है। 220 रुपये लीटर कड़ुक तेल कोई सरकार में नहीं बिका था, लेकिन भाजपा सरकार में बिक रहा है। महंगाई से त्रस्त है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि ये 220 रुपये लीटर जो तेल है, इस तरह का कभी मौका नहीं मिला था, ऐसा कभी अवसर नहीं था कि इतना महंगा तेल हुआ। अन्य भी तमाम समस्याएँ हैं, क्या समस्या है? वोट देंगे भाजपा को, वरिंदल भाजपा ही है हम। कितनी भी बड़ी समस्या हो, वोट देंगे लोग भाजपा को। आखिर ऐसा क्या भाजपा के पास आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप भाजपा को वोट देंगे, मुझे बताइए खास क्या बात है? कोई बात नहीं, लेकिन हम पंडित हैं और पंडित को वोट देंगे, बात खत्म, भाजपा को वोट देंगे। राजीव सभी विधायक उनसे आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ किया है? नहीं किया, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सरकार भाजपा बनेगी, बस इतनी बात है। क्या बात है, इस तरह के लोग हैं जो कि सिर्फ भाजपा को पसंद करते हैं और ये भाजपा को वोट देंगे, क्यों देंगे ये यही जानते हैं। हालांकि हम दूसरे भाई से बात करते हैं, भैया क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में सूबे के? ऑनलाइन दिल्ली चलती है, ध्यान से बात करें, दिल्ली यहाँ पर तमाम समस्याएं होती है। आपको क्या लगता है कि तमाम समस्याएं थी, जो जटिल समस्याएं थी, क्या उन्हें दूर किया सरकार ने? नहीं, दूर तो नहीं हुई समस्याएं, दूर नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गया, हर लोग बेरोजगारी होती चली जाए। तो क्या परिवर्तन करेंगे इस बार? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। तो क्या भाजपा की सरकार को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। किसी दूसरे को? दूसरे को किसको देंगे, ये भी पूछो। इस तरह की बातें हैं, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। ये चाय की दुकान पर बैठे हुए जो चाय बनाते हैं, इनके पास तमाम लोग आते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर ज्यादातर लोगों की राय क्या होगी। सर्वे सही बोले तो किन्हें लोग मतदान करना चाह रहे हैं? भाजपा को मतदान करें हम। क्या क्या नाम है आपका? सर्वेश प्रजापति। कितने दिनों से ये दुकान आप चला रहे हैं चाय की? हम तो आज बैठे हैं, हमारे पिताजी बैठते हैं और राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, जो है यही बता दिए। और क्या, मेरा वोट भी नहीं है अभी। अच्छा, अभी आप वोटर नहीं? अभी वोटर नहीं है। लिखित में 17 साल उम्र है। तो ये इस तरीके से आप वोटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं। ये एक भाई और भी हैं, इनसे हम जानते हैं। ये देखिए भाग रहे, इनसे मतलब नहीं राजनीति से, कहीं ना कहीं बड़ी बात है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते और अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सरकारें इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ करती रहेंगी। ये खिलवाड़ का दौर है, गाँव के लोगों का ये चाय की दुकान पर बैठना और चर्चाएं करते रहना। कहीं ना कहीं राजनीति का ये बड़ा एक स्थान होता है, केंद्र होता है, जहाँ से तमाम तरह की बातें फूट करके गाँव के लोगों को मोटिवेट करती है, राजनीति करने पर विवश करती। हालांकि तमाम समस्याएं जिनको दूर करने के लिए हरदम सरकारें दावा करती रही हैं, कितनी समस्याएं हैं, क्या आप दूर कर पाएंगे, क्या वोट, क्या मतदान होगा, हालांकि भविष्य के गर्त में है। हम सदर विधानसभा में लगातार तफ्तीश करते रहेंगे, लोगों से अपनी उनकी राय जानते रहेंगे। मैं प्रतापगढ़ से ग्लोबल भारत से डीके शर्मा हूं।